Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Y&8 Lifestyle. दोस्तों, बेसन का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल के लिए कई सदियों से किया जा रहा है। ये त्वचा को ग्लोइंग बनाने से लेकर शरीर के बाल हटाने तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये त्वचा को हेल्दी भी बनाता है। बेसन का फेस पैक दाग धब्बों से छुटकारा पाने और त्वचा की रंगत को निखारने के लिए सबसे बेहतरीन घरेलू नुस्खों में से एक है। बेसन में कई चीजों को मिलाकर उपटन तैयार किया जाता है, जिससे दुगना फायदा होता है। तो आइए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेसन के फेस पैक से होने वाले ऐसे कई फायदों के बारे में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, त्वचा के पीएच स्तर को करता है संतुलित। दोस्तों, बेसन का फेस पैक त्वचा के पीएच स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे स्किन लंबे समय तक टाइट रहती है, जिससे आपके चेहरे की झुर्रियां कम दिखती हैं। नंबर दो, गंदगी हटाने में मददगार। दोस्तों, बेसन फेस पैक का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से त्वचा की गंदगी और बहुत सी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल तत्व स्किन फंगल आदि से भी बचाने का काम करते हैं। नंबर तीन, स्किन को बनाता है चमकदार। दोस्तों, बेसन का फेस पैक रेगुलर लगाने से दाग धब्बे, कील मुहासों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इससे त्वचा में ग्लो आता है, जिससे स्किन काफी क्लियर दिखने लगती है। नंबर चार, अतिरिक्त बालों को हटाने में करता है मदद। दोस्तों, चेहरे से बालों को हटाने के लिए बेसन का फेस पैक का इस्तेमाल किया जाता है। इसे चीनी और नींबू के रस के साथ मिलाकर लगाने से फायदा मिलता है। नंबर पाँच, अतिरिक्त तेल से मिलता है छुटकारा। दोस्तों, ये त्वचा की प्राकृतिक नमी को छीने बिना अतिरिक्त तेल को हटा देता है, जिससे स्किन मुलायम हो जाती है और आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबर छह, दोस्तों अब हम जानेंगे कि कैसे बनाएं बेसन का फेस पैक। दोस्तों, बेसन में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स होते हैं। अगर इसे हल्दी के साथ मिलाकर लगाया जाए तो काले धब्बों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसे बनाने के लिए आधे कप बेसन में एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नींबू का रस और पानी मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को चेहरे व गर्दन पर लगाएं और 20 मिनट के लिए सूखने दें। उसके बाद आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लें। आप चाहे तो इसको लगाने के बाद एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी स्किन पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।